नमस्कार, आप देख रहे हैं भट्टू दर्पण न्यूज और मुख्य समाचारों के साथ मैं हूं चीफ एडिटर जय सिंह जालवार। देखिए पूरी रिपोर्ट। गांव सुड़ीखेड़ा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सामान चुराने के आरोप में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्कूल के मुख्य अध्यापक देशराज माचरा ने दी शिकायत में बताया कि अज्ञात चोरों ने 1 सितंबर को रात्रि को स्कूल के 4 कमरों के ताले तोड़े। रात्रि को स्कूल प्रांगण से चोर एक पीतल का पीटी ड्रम, 4 मेन हॉल ढक्कन चुरा ले गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भट्टूकला पुलिस ने वीरवार को बस स्टैंड के पास एक युवक को गिरफ्तार कर उससे एक पिस्तौल व एक जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की। मिली जानकारी के अनुसार बस स्टैंड के पास पुलिस गश्त कर रही थी, इसी दौरान युवक पुलिस को देखकर तेज गति से बस स्टैंड की ओर मुड़ने लगा। शक होने पर पुलिस ने तलाशी ली तो उसके कब्जे से 32 बोर पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने पकड़े गए युवक राहुल निवासी भट्टूकला के खिलाफ 25-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। भट्टूकला पुलिस ने नशा तस्करी धरपकड़ करते हुए पुलिस ने एक कार सवार 2 युवकों सुरेंद्र निवासी पीली मंदोरी तथा रोहतास कुमार निवासी महुवाला को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों से 17 किलो 200 कचरा डोडा पोस्ट बरामद कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने सुरेंद्र को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि वह कचरा डोडा पोस्ट मुकेश उर्फ बलराज निवासी पीली मंदोरी से दिलवाया था। पुलिस ने उक्त आरोपी को सप्लायर करने के आरोप में गिरफ्तार कर नकदी बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।